जीवन में उसको उतार करके देखो, है ना। जनकपुरी से विवाह हुआ, मिलान आप लोग देखो, अपनी बिटिया की शादी करो, ये रामायण का प्रमाण है, चाहे लड़के की शादी करो। अगर आप लोग कुछ ज्यादा नहीं देख पाते हो तो केवल नीरज की एक बात मान लेना, गारंटी है जिस घर में बेटी जाएगी दोनों घर रोशन हो जाएंगे। बताएं आपको, अगर आप कुछ नहीं देख पाते हो तो केवल नाम का मिलान कर लेना। देखो कितना अच्छा मिलान है, राम के नाम में कितने अक्षर हैं, दो अक्षर, सीता के नाम में दो अक्षर, भरत के नाम में तीन अक्षर, मांडवी के नाम में तीन अक्षर, लक्ष्मण के नाम में साढ़े तीन अक्षर, उर्मिला के नाम में साढ़े तीन अक्षर, शत्रुघ्न के नाम में साढ़े चार अक्षर, सुरत कीर्ति के नाम में साढ़े चार अक्षर। इधर है अवधेश तो उधर है मिथिलेश, इधर है जनकपुरी तो उधर है अवधपुरी, इधर नदी का नाम है तमसा तो उधर नदी का नाम है सरयू, यहां कुशल बहु भांत भलाई, वहां कुशल राखे रखवाई। कितना अच्छा मिलान है बताइए आप। तो कभी शादी करो तो आप लोग कथा सुनते हैं तो कम से कम यहाँ कुछ लेकर के जाओ। कथा कोई एक मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत कोई खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ तो लोगों ने बना दिया है। अब कथावाचकों की भी मजबूरी है, क्या करें, उन्हें भी फिर उसी राग में ढलना पड़ता है। कथा एक वियोग का विषय है, ये जो कथाएं होती हैं, इन कथाओं से कुछ हमें जीवन में सीखने के लिए मिलता है। जब भी शादी करो तो हमेशा शुभ मुहूर्त में शादी करो। अरे कुछ नहीं देख पाते हो, अरे तो रामायण बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी है, महाराज परीक्षित जी क्या गलत है, वो बड़े बड़े आचार्य लिख करके गए हैं, तो उसको अपने जीवन में एक बार प्रयोग करके तो देखो। ज्यादा नहीं कुछ देख पाते हो तो अपने, उन्होंने तो गांव तक का बाप तक का मिलान है, अरे तुम केवल लड़का लड़की के नाम का ही मिलान करके देख लो, रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा, है ना। राम जी तीन महीना रहे तो किसी भी गांव में या किसी जगह पे कोई चाहे दो चार दिन भी रुक जाए तो लोगों का एक प्रेम हो जाता है,